भाजपा की सहकारिता प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदेश संयोजक डीके शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि सभी लोग छोटे छोटे समूहों को बनाने का अभी से प्रयास करें तथा हमारे बहुत सी सहकारिता की समितियां अपने उत्पादनों के माध्यम से बाजार में है और बहुत सी सरकारी संस्था काम कर सरकार का सहयोग कर रही है। उन्होंने सभी सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर इन संस्थाओं को पार्टी से जोड़े। इस अवसर पर भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डीके शर्मा, सह संयोजक आलोक कुमार सिंह, उपभोक्ता सहकारी संघ के उपाध्यक्ष अरजीत सिंह, जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह, जय प्रकाश पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश मौर्य जी, प्रदेश के यशस्वी संयोजक आदरणीय डीके शर्मा जी, महानगर के संयोजक और उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक के सभापति आदरणीय संतरा यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत। हमारे बीच में क्षेत्रीय कार्यालय से बहुत दूर है आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी हैं। मुझे आग्रह करूंगा आए और अपने क्षेत्रीय संयोजक हम लोग के गार्जियन उत्तर प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के और लैंडमेड के डायरेक्टर परम आदरणीय चिरंजीव चौरसिया जी, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तब विद्यार्थी परिषद में काम कर युवा मोर्चा में काम करते थे और आज संचालन और तमाम पदों पर रहे आदरणीय नित्यानंद मिश्र जी, जो सहसंयोजक गोरखपुर क्षेत्र हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसी क्रम में प्रभाकर दुबे जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जो हमारे सहसंयोजक हैं। उसी के साथ हम लोग के साथ लगातार 4 दिनों से बड़ा मेहनत किया आदरणीय चिरंजीव चौरसिया जी का भी मैंने किया है। आदरणीय मान सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आदरणीय कामेश्वर सिंह जी का, आदरणीय सुमेश्वर तिवारी जी का, आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी का, परम आदरणीय यशवंत सिंह जी का, और यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के जो चेयरमैन, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन होने के नाते मैं भी चेयरमैन रहा हूँ धोरिया कुशीनगर का, और उसके पहले जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। तो फिर से अध्यापक को तो थोड़ा सा पारिवारिक संस्कार है, मेरा शिक्षक मन मेरे परिवार में भी तमाम शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, इसलिए मैं आपका मैं हृदय से कभी भी मृदु भाषा के हिसाब से ही आपसे वार्ता करूँगा। जितने लोग सब संयोजक हैं वो हमारे हमसे बड़े हैं, उनका मैं सदैव जो है कि गले मिलाकर के हाथ में मिलाकर के उनका सम्मान करूंगा और जहां भी हमारी जरूरत होगी साकारता के लिए एक एक कदम आगे बढ़ने का काम करूंगा। आदरणीय विश्वंबर पांडे जी जनसंघ के जमाने में, विश्वंबर मिश्रा जी भी जनसंघ के जमाने में, हम लोग जो है कि एकाध झाटक जहाँ पर पार भी जाते हैं कि गलत कर रहे हो, ये करो वो करो, समझाते रहते हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। जी क्षेत्र के सभी जितने भी हमारे और उत्तर प्रदेश, ये आलोक कुमार सिंह जी जो पिछली बार हम लोग के साथ थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया जो प्रदेश सह संयोजक, और हमने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र में पहला कार्यक्रम लगेगा, उन्होंने कहा प्रकाश जी पहला कार्यक्रम गोरखपुर में, हम जी कब, हमने कहा 12 को, और 12 को कार्यक्रम लगा, उन्होंने सहमति दिया। मैं आप लोग आए, आपका मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब इसी क्रम में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सहकारिता पिछली बार मैं सह संयोजक की भूमिका में था तो बड़ा हम लोगों संघर्ष करते थे, कहते थे कि आप लोग आ जाइए, जैसे मान लीजिए यादव जी हैं बस्ती के, कन्हैया जी हैं, बड़ा संघर्ष करने के बाद कहते थे कि आप लोग आइए गोरखपुर में मीटिंग, तो ये लोग आ जाते थे, 10 लोग आते थे, दूसरी बार दूसरे 10 आते थे, वो 10 नहीं आते थे। मैं बहुत खुश हूँ कि कम समय में कम
जल्दी कहने पर हम लोगों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए, आप सभी लोग आए, इसलिए मैं हृदय से आपको वंदन करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के प्रभारी आदरणीय श्री विद्यासागर सोनकर जी और उत्तर प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रभारी पाठक जी ने एक बैठक प्रदेश कार्यालय पर जितने जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं वो अपनी डायरी निकाल ले, दो चीजें उन्हें नोट कर ली। हमारा जिला संयोजक एआर से सीधे संबंध हो उसका, उसे एआर कॉपरेटिव को ये बता दिया जाए कि जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ ही जो कागज मांगेगा, जो सूची की जरूरत है, जिस भी कार्य के लिए है, क्योंकि उनके जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के नेतृत्व में बैंक की पूरी कार्यशैली चलती है, तो उनको ये बात एआर को बतानी है पर्टिकुलर कि हमारा ये जिला संयोजक है, इनको जो कागज की जरूरत हो, जो भी सहयोग की जरूरत हो, उस सहयोग को करें। जिला संयोजक महोदय अपने कागज कलम लेके नोट कर लें, दो काम उन्हें करने हैं जो महत्वपूर्ण है। नंबर एक, जिले में पैक्स से लेकर और अपेक्स तक भारतीय जनता पार्टी का, अपेक्स में तो सब है, जिले के बैंक भी हैं, ईसीएफ भी है, लेकिन उनमें डायरेक्टर, पैक्स के सभापति, अगर कहीं उपसभापति है उपसभापति, सहकारी संघों के अध्यक्ष, मार्केटिंग के पूरी भाटी, क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पूरे संचालक, इनकी सूची आपको आज से ठीक, आज 12 तारीख है, 30 तारीख तक हर कीमत पर प्रदेश कार्यालय को आदर क्षेत्रीय संयोजक श्री ओम प्रकाश मौर्य जी को उपलब्ध करानी है, क्योंकि नवंबर माह के पहले हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एक सहकारिता का लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे जो 2019 से पहले हुआ था, सब लोगों को याद होगा, उससे भी भारी सम्मेलन करने की तैयारी हम लोगों को करनी। हमारे पैक्सपेट के डायरेक्टर आदरणीय चिरंजीव चौरसिया जी, हमारे सहकारिता में उपभोक्ता समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान अजीत सिंह जी, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक और संचालक पाचकुंड के संचालक श्री नित्यानंद मिश्र जी, दूसरे सह संयोजक क्षेत्र के श्री प्रभाकर द्विवेदी जी, तीसरे सह संयोजक इस क्षेत्र के श्रीमान दिलीप चतुर्वेदी जी, चेयरमैन श्रीमान मोहन सिंह जी, श्रीमान विशंबर मिश्रा जी, श्रीमान विजय प्रताप सिंह जी, श्रीमान शिवनाथ सिंह जी, उपस्थित सभी सहकारिता से जुड़े हुए मित्रों, हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि पार्टी ने मुझे भी सहकारिता से जोड़ दिया। मैं जिला अध्यक्ष गोरखपुर का हुआ करता था, जिला महामंत्री हुआ करता था, तब से मेरे मन में एक भाव था कि मैं गोरखपुर जनपद से सहकारिता के कार्य को बढ़ाऊं, लेकिन जिला महामंत्री जिला अध्यक्ष के होने के बाद लाख प्रयास के बावजूद गोरखपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले सहकार